अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। लास्ट टाइम हम जो है वो पीवी सेल का इक्विवेलेंट मॉडल स्टडी कर रहे थे कि सिंपल मॉडल क्या होता है और फिर कॉम्प्लेक्स मॉडल के अंदर हमने क्या देखा था। कुछ अमेंडमेंट्स की थी, सीरीज रेजिस्टेंस ऐड की थी और पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड की थी, ठीक। और फिर उसका इफेक्ट भी देखा था कि सीरीज या पैरेलल जब रेजिस्टेंस ऐड की जाती है, ठीक है, तो उसका करंट और वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमारा कोर्स लर्निंग आउटकम भी यही है कि वोल्टेज और करंट की जो कर्व्स हैं उनको एनालाइज करना। और अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम आरएस और आरपी को कंसिडर नहीं करते, पैरेलल रेजिस्टेंस को और सीरीज रेजिस्टेंस को, तब हमारे पास जो ग्राफ है वो किस टाइप का होगा, और अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो फिर किस टाइप का होगा, ठीक है। ये जो आरपी इनफिनाइट हमने ये स्टडी किया था लास्ट टाइम, हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पैरेलल रेजिस्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए ताकि लॉसेस कम हों। तो इनफिनाइट का मतलब है कि आपने आइडियली अज्यूम किया कि बहुत ज़्यादा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि आरएस सीरीज रेजिस्टेंस उसको मिनिमम होना चाहिए, जीरो के करीब होना चाहिए, आइडियल केस में हमने उसको जीरो लिया। तो जो ही आपने आरपी और आरएस को प्रैक्टिकली जब इन्वॉल्व किया तो आरपी आपके पास 1 ओम था, ठीक है, उसकी वजह से बजाय कि 6 एम्पीयर करंट आने के अब 5 पॉइंट समथिंग है, लाइकवाइज 5.8 या कुछ और, ठीक है। और इसी तरह जब आपने आरएस को 0.05 ओम कंसिडर किया तो वोल्टेजेस जो है उनमें आपको डिफरेंस नजर आया, ठीक है। वोल्टेज में जो फर्क है वो आई आर एस की वजह से था, और जो आर पी की वजह से करंट कम आया वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय पैरेलल रेजिस्टेंस थी। तो ये प्रीवियस हाइलाइट्स थी जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की है, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर्मूला भी मौजूद था, रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या ही शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी माइनस जो पैरेलल रेजिस्टेंस में आई पी जा रहा है। तो ये आरपी का इफेक्ट था जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और ये आरएस के इफेक्ट था जिसको हमने के लास्ट टाइम डिस्कस किया। और लास्ट टाइम का जो लेक्चर है उसको मैंने एलएमएस के ऊपर एक वीक को एडिट करके उसके पैरेंथेसिस में मैंने ऑनलाइन लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आपके पास ऑनलाइन लिंक होगा। इसलिए इसी तरह जहाँ पे असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर मैंने असाइनमेंट के लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पे असाइनमेंट का डेटा मौजूद है, ठीक है। और जहाँ पर मिड था वहाँ पे वैसे मैंने मिड टर्म लिखा हुआ ताकि फील हो जाए कि यहाँ तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स था। एनी हाउ ये कुछ चीज़ें थी जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि एक सेल से मॉड्यूल कैसे बनता है और मॉड्यूल से एरेज कैसे बनती है। अगर आप अभी देखें स्क्रीन तो शेयर है ना सबके साथ, पिक्चर बुक की जो है, ठीक ठीक ओके सेल है आपके पास और आगे मॉड्यूल की आपको पिक्चर नजर आ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये कुछ सेल्स हो सकता है, माइट भी उसने कुछ सीरीज में लगाए हों, कुछ पैरेलल में लगाए हों, या माइट भी सारे उसने सीरीज में लगाए हों, क्योंकि हमें उसकी सर्किट जो डायग्राम है वो तो विजिबल नहीं है। लेकिन ये जो एरेज लगी हुई है ये बड़ा क्लियर आपको फील हो रहा है कि दो सीरीज में है, दो दो का कॉम्बिनेशन है सीरीज में, और इसी तरह दो दो पैरेलल में लगी हुई, ठीक है। ये दोनों आपस में सीरीज में, ये भी दोनों आपस में सीरीज में, और एज अ नेट रिजल्ट ये दोनों जो सीरीज स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में पैरेलल में लगी हुई, ऐसे ही। यस सर। तो अभी मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि तो कुछ थोड़ी सी बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए, फिर मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि कनेक्शनिंग आप कैसे करते हैं, यानी कि सीरीज या पैरेलल आपने कनेक्शंस किस तरह के करने होते हैं। वो बड़ा इजी है, ठीक है, आप खुद से भी मल्टीपल पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से 24 वोल्ट बनाना तो 12+12 की, ये तो खैर आपने वर्कशॉप लैब में भी किया होगा, लेकिन आई विल गाइड यू, कुछ थोड़ा से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और इन्हेंस हो जाएंगे इस पे ना। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको एक दो टिप्स हैं जस्ट बताऊंगा, सो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, लास्ट टाइम जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर हमने पॉज लिया, ठीक है, और उससे भी पहले चलिए ना क्विक वे अगर मैं हाईलाइट
कुछ थोड़ा देना चाहो इन अ वेरी क्विक वे। बेसिकली आरपी और आरएस हमने पढ़ा इसलिए था, ये मैं लास्ट टाइम कवर कर चुका हूँ, अभी जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि आपके पास अगर सीरीज में दो सेल लगे हों और एक सेल अगर शेडिड हो जाए तो सीरीज की वजह से पूरा ओवरऑल करंट जीरो हो जाता है। तो फिर हमने कहा था कि इसको कोई ऑल्टरनेट पाथ दे देते हैं, तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे हमने इसको पाथ प्रोवाइड किया था, वो आरपी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और फिर इसी तरह ठीक है ये आरपी को हमने इंक्लूड किया। फिर इसी तरह हमने कहा कि जो सेल्स को जब आपने कनेक्ट करना होता है या वायरिंग उसके कनेक्शन वगैरह करते हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या वेरी माइनर कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसको हमने के आरएस कंसीडर किया। ठीक है, तो ये बेसिकली आरपी और आरएस थे। ठीक है, जिसको कि मैं अभी रिपीट कर रहा था। ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिंपल जो इक्विवेलेंट मॉडल होता है उसमें जस्ट आई शॉर्ट सर्किट यानी कि सोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सनलाइट और डायोड होता है। अभी हमारे पास आरएस और आरपी मौजूद थे। ठीक है, तो ये कुछ हमने किया था। अब इस पे एग्जांपल हम लास्ट टाइम देख रहे थे जिसको मैंने कहा था कि वो विल रिपीट इट, तो वहां से स्टार्ट लेते हैं। आपके पास क्या है कि पीवी मॉड्यूल इज मेड अप ऑफ 72 आइडेंटिकल सेल्स ऑल वायर्ड इन सीरीज। तो अब जब ऑल वायर्ड इन सीरीज आपने देखा तो आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट, करंट और वोल्टेज के सेंस में आपके जहन में क्या ख्याल आया? कि सर करंट तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, और जी सर आपने बताया था कि आर एस जीरो होगा, इसको छोटा कर देंगे ना। ठीक है, और जी कोई और स्टूडेंट इस पे बताना चाहेंगे क्या होगा जब आपने ये लाइन पढ़ी है? जी आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आया कि जब आपने ये पढ़ा है कि 72 आइडेंटिकल सेल्स है एक ही तरह के और सारे सीरीज में लगे हुए, तो जस्ट एक सिंगल जब आप लाइन पढ़ते हैं बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पीवी सेल्स हैं तो करंट और वोल्टेज के सेंस में क्या आपके माइंड में चीज आती? जी सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अटेंडेंस लाजमी नहीं है कि आप बीच में मौजूद हों ज्वाइन करके तो फ्री लगे, अटेंडेंस परफॉर्मेंस पे भी लगती होती। पर सभी का मुझे वैसे आइडिया तो है कि कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जितने क्लास एंड कर दी जाए दोस्तों, नहीं रहता पढ़ने का। सर जी टाइम के सीरीज में अगर सेल्स लगे होंगे तो वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा? क्या आप सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज ठीक है, और में वोल्टेज करंट डिफरेंट होता है चलेगा सर, और वोल्टेज मतलब डिफरेंट होंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलेंगे और करंट करंट जो है वो वेरी करेगा। ये कुछ कुछ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं काफी हद तक ठीक बोलने की ट्राई में है सारे, कि आपके पास जब आपने सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में वोल्टेज एड अप हो जाएंगे, लेकिन लाजमी नहीं होता कि एड अप होंगे। अभी मैं वैसे एड अप का कह रहा हूँ क्योंकि इंटेंशंस ये है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कनेक्शंस किसी और तरह से कर दे तो वो एक दूसरे से माइनस भी होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी ना पॉजिटिव सेंस हमें पता है कि सीरीज के अंदर वोल्टेजेस जो है अगर ऑपोजिट पोलैरिटीज के साथ हम उनको कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास एड अप होते जाते हैं और करंट जो होता है वो सीरीज में सेम रहता है। तो अभी ये जब मैंने लाइन पढ़ी है तो मुझे पता है कि जो एक सेल का वोल्टेज है वो और 72 सेल्स का क्या होगा, सारे एड अप हो जाएंगे, या 72 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ जो एक सेल का वोल्टेज है तो मेरे पास 72 सेल्स के वोल्टेजेस आ जाएंगे। ये 72 से मैंने एक सेल की वैल्यू को क्यों मल्टीप्लाई किया, ये सीरीज वर्ड की वजह से किया। समझ लग रही बात? अगर ये पैरेलल यहां पे वर्ड लिखा होता तो फिर जी अगर यहां पर पैरेलल वर्ड लिखा होता तो फिर क्या होता? सर करंट से वोल्टेज सेम हो मल्टीप्लाई कर जाते, देते, करंट जो होता वो सबका एड अप हो जाता और करंट वोल्टेजेस इंक्रीज जो हो होता है जाता, और वोल्टेज जो थे वो सेम वोल्टेज रहते। सेम हो जाता सेम सर। रहता। ठीक है,
और यस इस सर। चैप्टर को जो है ना थोड़ा जरा गौर फिक्र से पढ़िएगा, इसको जरा मजाक के तौर पे ना लीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक। सो अ पीवी मॉड्यूल इज मेड अप ऑफ 72 आइडेंटिकल सेल्स ऑल वायर्ड इन सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सो अ पीवी मॉड्यूल इज मेड अप 72 आइडेंटिकल सेल्स ऑल वायर्ड इन सीरीज विद वन सन इंसुलेशन। वन सन इंसुलेशन मीन लाइक अ फुल सन, और वो अक्सर आपको 6 एम्पेयर उसकी वैल्यू दे रहा होता है। ईच सेल हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि जो सोर्स का जो करंट है दैट इज 6 एम्पेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि जब आप पाई डी की इक्वेशन यूज करें तो आप उसमें एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर में एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो यूज कर सकें। इट्स रिवर सेचुरेशन करंट आई नॉट इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹¹ पैरेलल रेजिस्टेंस आर पी 10 ओम है और सीरीज जो रेजिस्टेंस है वो 0.001 ओम। सो आपने फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द वोल्टेज करंट एंड पावर डिलीवर्ड व्हेन द डायोड वोल्टेज इन द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ईच सेल इज 0.57। सो ईच सेल का हमें आइडिया है कि एक सेल हमें 0.57 दे रहा है, सो अकॉर्डिंगली हम जो है वो 72 सेल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और फिर बीच में आर पी और आर एस का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला भी स्टडी किया था, आई इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, अगर यहां पर आपके पास क्या उसको कहते हैं, ये आप पैरेलल रेजिस्टेंस आपने ना लगाई हो, ठीक है, तो आपके पास जस्ट जो चीज बचेगी वो क्या होगा, आई शॉर्ट सर्किट, और आपके पास आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी। खैर एनी हाउ आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी माइनस वीडियो और आर पी, तो आपके पास आर पी और इन सब की वैल्यूज तो मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उनको यूज करें और इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके जी। आई शॉर्ट सर्किट हमें गिवन है 6 एम्पेयर, आई डी के अंदर हमें जो है वो आई नॉट सेचुरेशन करंट वो भी गिवन है, और एक जो सेल का है 0.57 वो भी गिवन है हमें, ठीक है, और बी डी अगेन 0.57 गिवन इन द डेटा, आर पी पैरेलल रेजिस्टेंस गिवन इन द डेटा। तो हम जो है वो हमारे पास करंट की क्या वैल्यू आ रही है जी, 5.7733। 5.73। तो ये बिल्कुल आइडियली आपके पास 6 एम्पेयर होता है, ठीक है, तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो करंट था उसको आपने माइनस किया, और जो डायोड में से करंट पास ऑन हो रहा है उसको आपने माइनस किया, ठीक है। तो ये वे है कि आपने करंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना। अब वोल्टेज की बारी है, वोल्टेज को देखें, और जो हम लास्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यस सर। वोल्टेज को देखें कि उसने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि चूंकि सीरीज में है आपको पता है, तो जितने आपके पास सेल्स हैं एन को मैंने हाईलाइट किया, तो कितने आपके पास सेल्स हैं, डेटा भी आपने पढ़ा 72 सर। 72 72 सेल्स हैं, ठीक है, और एक एक डायोड आपको कितना करंट दे रहा है, 0.57। सॉरी जीरो पॉइंट फाइव वोल्टेज जो सेवन है, सॉरी वोल्टेज जो दे रहा है 0.57। मैंने कहा एक डायोड कितना करंट दे रहा था, सबने कहा 0.57 ना, इखला कर। अच्छा जी, सो वोल्टेज है 0.57 और आपके पास जो करंट है वो अभी आपने फाइंड आउट किया है बाय इंक्लूडिंग द पैरेलल रेजिस्टेंसेस और डायोड का करंट, ठीक है, आई आर एस जो सीरीज रेजिस्टेंस है गिवन इन द डेटा, ठीक है, तो आपके पास वी मॉड्यूल आ चुका है। अगर आप वी डी माइनस आई आर एस इस तरह की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में ना पढ़े तो बिल्कुल आसान सा क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर सीरीज में लगे हुए तो जो एक सेल का है
सारे सेल्स आपस में उनके वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। इसी वजह से बेसिकली 72 को मल्टीप्लाई करने का भी यही पर्पस है, ठीक है। जब आप 72 या तो 72 टाइम्स आप 0.57 को ऐड अप कर लें, वो तो दैट इज क्वाइट लेंथी, ठीक है। तो उससे बेहतर क्या हमारे पास के 72 सेल्स हैं और एक सेल अगर 0.57 दे रहा है तो वहां पर वही चीज होगी ना। अगर एक बंदे से आपने 1000 रुपया लेना और 72 बंदों से लेना, ठीक है, ईच से 1000 रुपया लेना तो 72,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल पूरे एक मॉड्यूल का आ गया। ये वो चीज है जिसको आप कहते हैं कि एक पैनल लगा हुआ है, एक प्लेट लगी हुई। सो हम टेक्निकली उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल। जो टर्म्स हैं इंजीनियर्स के वो टेक्निकल होंगे, राइट। सो आपके पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं जी, देखिए हमें जरा। 40.63। सो पावर, जो डीसी पावर है वो कैसे कैलकुलेट होगी जी? वोल्टेज ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लाई नीचे किया भी हुआ, देखें जरा। अभी इस पे क्वेश्चन भी पूछा है मैंने सबसे। हां जी देखें क्या किया हुआ, बी इज इक्वल टू VI. तो V की वैल्यू क्या है? ये जो भी सर हमने फाइंड किया 40.63, 40.63 सर। करंट की वैल्यू क्या है, करंट ऑफ द मॉड्यूल? 5.73 सर, 5.73, ठीक है। कितनी आपके पास पावर आ रही? 232.8 232.8। अक्सर आपने सुना होगा कि 200 वाट की एक प्लेट है, यानी कि एक पैनल है, या 100 वाट का। तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई है कि किस तरह से वो 100 वाट बन गई, या क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, कहां से वो चला होगा, किस तरह से कनेक्शन हुए होंगे, क्या इवेंचुअली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव उसने दो जो टर्मिनल्स निकाल के दिए, उसके बैक एंड पे सारा कुछ क्या जा रहा है। Yes, sir. ओके, अब उसने एक स्प्रेडशीट बनाई है, उस पर भी मैं आता हूँ। सो पार्ट ए में फाइंड द वोल्टेज, मॉड्यूल के वोल्टेज हमने उसको बताया, करंट बताया, आई पावर डिलीवर्ड व्हेन द डायोड वोल्टेज इज दिस दिस, ये हमने उसको पावर बताई सारी। पार्ट बी में क्या कहता है, सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर आई एंड बी ऑफ द एंटायर मॉड्यूल, ठीक है, एंड प्रेजेंट अ फ्यू लाइंस ऑफ आउटपुट शो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो एक स्प्रेडशीट बनाते हैं कि वोल्टेज या करंट को किस तरह वेरी करते जाएं, पावर किस तरह चेंज होती जाती है, क्या कुछ होता जाएगा, और फिर उस पर कुछ कमेंटिंग करते हैं। आप ये बताएं कि आपका जो अभी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ टेबल में, आपको नजर आ रहा है? जी सर। यस सर, हाईलाइट मैंने किया हुआ 232.8 को। क्या ख्याल जी सर? 232.8, राइट। और देखें क्या ये जो राइट साइड पे कॉलम है पूरा पावर का, मेरे ख्याल से ये सब में हाईएस्ट पावर नहीं है, क्या ख्याल है अगर देखें आप तो? यस सर, मैंने हाईलाइट पावर की हुई है, दैट इज द हाईएस्ट पावर इस पूरी स्प्रेडशीट में। यस सर। अब करके रेलैट से देखें जरा, क्योंकि स्प्रेडशीट वो खुद से जनरेट कर रहे हैं। 0.53 अगर आप वोल्टेज लेते हैं, डेटा में उसने कितना वोल्टेज दिया हुआ जी? ये डेटा में दिया हुआ, डेटा में क्या दिया हुआ, वीडी जी 0.57 वीडी आपके पास, ठीक है। और 0.53 अगर आप ले लें तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली करंट की एक डिफरेंट वैल्यू निकलेगी, ठीक है, फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, समझ रहे। उसी तरह जब करंट डिफरेंट निकलेगा तो वी मॉड्यूल भी डिफरेंट निकलेगा, बिल्कुल समझ। जब वी मॉड्यूल डिफरेंट निकलेगा तो पावर भी डिफरेंट, सही। ऐसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन 0.57 से सॉल्व करने की बजाय 0.53 से सॉल्व कर, फिर अगर मैं उसको
0.54 से सॉल्व कर लेता हूँ VD. Obviously VD जब एक्सपोनेंशियल में आएगा तो एक नई वैल्यू देगा करंट की, वही जो नई वैल्यू करंट की होगी और एक नया VD होगा तो एक नया V मॉड्यूल देगा, एक नई पावर देगा. क्या ख्याल? Yes, sir. ये ऐसा सारा करने से, इस स्प्रेडशीट को देखने से आपका क्या एनालिसिस, अगर आपके सामने ये नजर आ रही हो ठीक है. मैं उस पर ये नहीं पूछ रहा कि आई कैलकुलेट कैसे हुआ है या वी कैलकुलेट कैसे हुआ है या पी कैलकुलेट, कैलकुलेशन तो हमने कर ली है. आपने एनालिसिस देखना है कि ये जो वैल्यूज आपने ली हुई है इनके अकॉर्डिंगली अगर आप बींग इंजीनियर क्या इस स्प्रेडशीट को देख के आपके जेहन में क्या चीजें आ रही, अगर विजुलाइज करें कम हो रही है ज्यादा हो रही वैल्यू, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस टाइम में. Yes, sir. Power अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं तो उससे करंट हमारा इंक्रीज, वोल्टेज की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है. अगर हम कम या ज्यादा लेते हैं तो पावर भी कम और ज्यादा, वो फिर उसका इफेक्ट बाकी सब पे भी है. रामजा क्या कर रहे थे आप? हां जी बताएं. मैं कह रहा हूं कि अगर वोल्टेज हमारे मतलब कम हो रहे हैं तो उससे हमारे जो करंट है वो ज्यादा हो रहा है, फहद, मियां, जुनेद, फिजान, सुफियान, समीर, शहीर, यस सर, जुलेखा, पता नहीं कितने कुछ लोग हैं यहाँ पे मेरी क्लास के अंदर, सारे फिंगर टिप्स पे आपकी शक्लें, फरूक, मतीन, यस सर, और जी राणा वैस, सिंपल वैस अहमद खान है, असद मैदी, सादे वाला मैदी, सारे ये स्टूडेंट किधर हैं? ये सारे युवा, ये एक दो पे फर्ज हुआ था यार से ग्रेजुअली लो कर उससे हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा. अच्छा माशाल्लाह जी. समीर साहब दोबारा बताएं क्या चीज इंक्रीज कर रही क्या डिक्रीज कर रही. हां जी सर, आई जो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है सर, ये फर्स्ट हमारा 5.9 से लास्ट 5.2 है सर, उसकी जगह पे जो वी मॉड्यूल है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट 37.7 है, लास्ट 42.8 है. हाँ जी, दो बिलाल 010 020 सर, और उनका दोस्त मोहम्मद अली. यस सर. हाँ जी, तो क्या ये हो रहा है दोस्तों, हम ये बेवकूफ है जो बच्चे बता रहे हैं? नो सर. हाँ जी, तो आप भी जरा बताएं, जरा हमें पता चले कि आप भी क्लास में माशाल्लाह हैं. सर वोल्टेज जब डिग्री इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज कर रहा है. अच्छा, बिलाल कह रहा है कि वोल्टेज जब इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज कर रहा है. हाँ जी, दूसरा बिलाल इसको तकवीयत देगा या नहीं? जी, दो टाइप के एसएन. यस सर. जी एसएन आप क्या लिखते हैं साथ में? एसएन इस्लाम आईफोन 13 प्रो मैक्स, व्हाट इज दिस? नहीं सर. हां जी, और जी अलीशान चीमा, अलीशान का दोस्त नताश, नताश का दोस्त फहद, फहद का दोस्त शुएब जफर. मतीन को कैलकुलेटर देने लगा था. हाँ जी अली जेब बताए जी, और दूसरा जैन, नुमान भी है, नुमान भी माशाल्लाह क्लास है इनकी. नुमान आपके ख्याल में क्या चीजें हैं ये सारी? सर ये करंट और वोल्टेज आपस में इनवर्स रिलेशन है सर, अगर करंट को हम इंक्रीज करें तो वोल्टेज कम हो रहा है. हमारा दोस्त ताकत भी है. यस सर. जी सदाकत, नाराज है हमसे? नो सर. इसमें वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जी सही है. गुलीब अहमद भी खफा लग रहे हैं, सूफी साहब भी नहीं बोल रहे आज. नहीं सर. यस सर.
सही। अच्छा जी, ये कुछ सारे कह रहे थे, मेरे ख्याल से आप तो इत्तफाक कर गए होंगे, जैसे मैंने आपको घर घर में से एक एक बंदा बुलाया जैसे अभी, तो मेरे ख्याल से अब सबको पता चल गया होगा कि क्या यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि वोल्टेज को आप जैसे जैसे इंक्रीज करें अब बस करंट की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रही, माइनस है उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट आ रहा है। ठीक, और ये जो भी हाईलाइट की 232.8 दैट इज द हाईएस्ट पावर, जो कि अभी आप पूरी ऊपर नीचे जो आपने वैल्यूज करके देखें, क्या ख्याल है? यस सर। राइट साइड पे अगर पावर का कॉलम देखें अगर आप, राइट, तो ये सबसे जब ऐसी पावर जो हाईएस्ट हो उसको जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास हाईएस्ट पावर मिली हो उसको आप कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। क्या? मैक्सिमम पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एमपीपी, राइट। और इसके ऊपर एक फुल फ्लेज एक प्रोजेक्ट होता है एमपीपीटी की ट्रैकिंग का, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है, एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, राइट। तो सोलर के ऊपर अक्सर जो प्रोजेक्ट लगे होते हैं उसमें ट्रैक किया जा रहा होता है, ठीक है, एलडीआर सेंसर्स लगे हुए और देखा जा रहा है कि हर वक्त जो आपका पैनल है, ठीक है, उसका जो फेस है वो सन की तरफ हो और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो आप सन से एक्सट्रैक्ट करें। आपको पता है जब सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो साय की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, क्या ख्याल? समझ पूरा किसी चीज को बार बार साया आ रहा होता है और सारी वो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती। सो खैर, या एंगल उसका फेस उसकी तरफ करने में क्या मुराद है, क्योंकि अगर वो आड़ी टेढ़ी साइड से उसको धूप पड़ रही होगी तो फिर भी आपके पास ठीक से, तो आप फेस उसके करने में बोलिए कि बिल्कुल उसकी तरफ एक तरह का सम सॉर्ट ऑफ 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा, बिल्कुल उसके ऊपर डायरेक्ट जो रेज है वो पड़ रही। सो ये पूरे जी, सो उसमें भी फिर दो टाइप्स आ जाती, ट्रैकिंग के अंदर के सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग है या ड्यूल एक्सिस। सिंगल एक्सिस जस्ट ऊपर नीचे हो रहा है या राइट लेफ्ट भी हो रहा है, ठीक है। Yes, so, anyway, जी, these are the full-fledged projects. So, MPPT का concept यहाँ पे इसलिए थोड़ी pause लिया था। अब पता चल गया कि जिस point के ऊपर maximum power आ रही होगी, उसको आप जो है वो maximum power point कह रहे होंगे। और उसके ऊपर जो voltage होगा, उसको भी VMP का नाम दिया जा रहा होगा। VMPP यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट वाला वोल्टेज, और करंट को भी इसी तरह IMPP का नाम दिया जा रहा होगा कि यानी कि वो वाला करंट जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर हमें मिल रही थी। ऑलराइट जी, तो ये आपने कोई भी अगर सेटअप लगाना हो यानी कि सेल्स को किस तरह से जोड़ना है तो ये उसके ऊपर। अब डायग्राम को अगर आप देखें तो ये उससे भी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, ये और हमारे कॉन्सेप्ट्स को इनहेंस करेगी। ये इसी क्वेश्चंस को अगर आप देखें, हमारे कितने सेल्स से जो हम यूज कर रहे थे जी, 72 सेल्स। वैसे तो खैर लिखा भी हुआ, आपको ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है कि ये सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज में जी। यस सर, सीरीज। जो पिछ जो अभी तक नहीं बोले वो अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें हैं, मुंजलीन और शहीर बिन मारूफ, उसामा, yes, टाइप के मेहदी, ये बताएं ये सीरीज में लगे हुए ये पैरेलल में लगे हैं? ग्राफ्स को देख के क्या फील हो? सर ये सीरीज में लगे हैं। सीरीज में लगे हैं क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि जब सीरीज में आप ऐड करते जाएंगे तो वोल्टेज आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे। तो उसने बड़े एक अच्छे वे में आपके पास बताया भी हुआ, 0.6 वोल्ट फॉर ईच सेल, 0.6 वोल्ट फॉर ईच सेल। तो जैसे ही आपने 4 सेल्स ऐड किए वो 2.4 वोल्टेजेस बन गए। कैसे? 0.6 अगर एक का है तो 4 को मल्टीप्लाई कर ले 0.6, समझे? वोल्टेज आपके पास बढ़ते जा रहे, एडिंग सेल्स इन सीरीज, वोल्टेज आर इंक्रीजिंग। Eventually you have 36 cells. कितने cells हैं जी? 36 cells. तो जब आपको बस 36 cells हैं तो एक cell का जो voltage है वो 0.6 है, तो overall आपको कितना ये दे रहा है? 21.6, ठीक।
आपको जो रफली करंट की वैल्यू का आइडिया है थोड़ा बहुत, अभी कुछ एक दो न्यूमेरिकल की है, तो आपके ख्याल में इसकी पावर कितनी होगी? मैं इसकी पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? यस सर, वी आई। वी आई, और वी आपको पता है आई, अभी आपने देखा है कि फुल सन के ऊपर आपको 6 एम्पीयर मिला एक बिग सेल के लिए, तो जब आप उसमें आर पी आर एस वगैरह अगर इंक्लूड भी करें तो फिर आपके पास को 5.7 समथिंग के करीब आपको मिला था, अगर ना आप इंक्लूड करें तो 6 एम्पीयर के करीब करीब आपको डेटा मिला होता है करंट का। ठीक है जी, तो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि ये जो उसने बनाया हुआ है इससे मैं 32 36 जो सेल्स है इससे मुझे क्या उसकी सर्किट या उसकी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया नहीं हो रहा कि उसने 36 सेल्स लगाए और सीरीज में लगाए इस ग्राफ को देख के? जी हो रहा है सर। और जब हम डेटा पढ़ते हैं तो डेटा से भी हमें लग रहा होता है, अगर मैं 72 सेल्स वाला ग्राफ बनाऊं तो ऑब्वियसली 36 की जगह मेरे पास 72 सेल्स है और 36 की मल्टीप्लिकेशन की जगह मेरे पास 72 है, समझे? और उसका करंट भी मुझे पता था 5.73 है, मैंने कैलकुलेशन की थी, 6 एम्पीयर आई शॉर्ट सर्किट और थोड़ी सी कर्व उससे नीचे बनेगी 5.73 पे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी सपोज, समझे ना? अगर 6 की आपने ऊपर लेबलिंग की हो तो उससे थोड़ी सी नीचे स्टार्ट होगी। तो अब ये बात करने का मकसद क्या है कि चाहे आप डायग्राम, चाहे आप डेटा से चल के न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं और कर्व्स के ऊपर आ रहे हैं, चाहे कर्व से वापस जा रहे हैं, तो ये जब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो फिर ही हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस जी सर। सो फिगर कैप्शन, बहुत दफा कैप्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर सेल्स वायर्ड इन सीरीज देयर वोल्टेज एट एनी गिवन करंट एड, ठीक है, दिस फिगर इज फॉर मॉड्यूल विद 36 सेल्स। सो उसको देख के भी हमें सारी चीजों का आइडिया हो रहा था, फिगर कैप्शन तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्या ख्याल? सो हमने जो प्रीवियस अपना कॉन्सेप्ट लिया उसको देख के हमें सारी चीजों का आइडिया हो रहा है। और अगर आप आर एस के जैसे भी पीछे पढ़ा था, अगर आप पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस को एड अप करें तो फिर आप VD माइनस IRS करते हैं, अगर आप सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप सिंपल डायोड का जो वोल्टेज होता है उसको N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अभी आपने 36 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन के आपने नौयत को देखना होता है कि क्या वो सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को इंक्लूड अगर कर रहा है तो आप भी फॉर्मूला में करेंगे, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आप भी नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका न्यूमेरिकल से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। ये नीचे फिगर कैप्शन में लिखा भी हुआ ना कि विद 36 सेल्स, ठीक है, That has no link with the numerical, लेकिन no doubt के concepts numerical के use हुए हैं, तो इसीलिए मैं आप उसको आपको correlate कर रहा था। ठीक है? ठीक है sir। Okay जी, अभी जो पिछला topic था वो अभी topic की heading मुझे नजर आ रही from modules to array, तो इसका मतलब है पिछला फिर topic किस पे था? Cells to module। जी सारे बताएं जी, पिछला टॉपिक किस पे था जी? फिर सेल टू मॉड्यूल। हाँ जी, अब वो बताएं जो कि बिल्कुल भी नहीं बोले, विजी नहीं बोला है, हाफिज आदिल बिल्कुल भी नहीं, फरूक, अरुण जफर, अब्दुल वहाब, जैन, दोनों वैस, हाँ जी, ये बताएं जी प्रीवियस पे टॉपिक आपके ख्याल में किसके ऊपर था? अगर ये फ्रॉम मॉड्यूल टू एरे है तो आपके ख्याल में पिछला टॉपिक किस पे था? हाँ जी वजी, बस ज्वाइन करके निकले हुए कि सही, ये तो बंदा बहन भाई को भी किसी को कह सकता है कि ज्वाइनिंग पे लगा दें। हाँ जी उसामा मसूद, आप बताएं जरा प्रीवियस टॉपिक आपके ख्याल में क्या हो सकता है? शहबाज लास्ट टॉपिक पढ़ा जी, शहबाज बिन जावेद भी है यहाँ पे जी, सही है।
चलो जी, इनकी एक स्पेशल क्लास लेंगे, पार्टिसिपेट जो नहीं करे। अच्छा जी, जी सर इतनी सही, अच्छी बात होना भी चाहिए। फ्रॉम मॉड्यूल, अभी हम जी पढ़ने लगे फ्रॉम मॉड्यूल टू एरे, ठीक है। पीछे ये था कि एक सेल से हमने ज्यादा किस तरह सेल्स को जोड़ा हुआ, ठीक है। और अब ये कि अब डिफरेंट मॉड्यूल्स या पूरे पूरे पैनल्स बन चुके हैं, और अब उन पैनल्स को हमने कनेक्ट करना है। वो अब किस तरह के हमें नजर आएंगे, वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएंगे। ये आप एक चीज देख रहे हैं, दैट इज नॉट अ सेल, ये पूरे का पूरा एक मॉड्यूल है, समझ रहे। और उसके अंदर डिफरेंट सेल्स है, मैं ये बनाने लगा हूँ वैसे ही, ठीक है। उसके अंदर कुछ सेल्स लगे हुए, समझ रहे, कुछ सेल्स आपके पास कनेक्टेड है उसके अंदर। ये मैंने रेड से कलर में उसके अंदर लगाने की कोशिश की, ठीक है। यस सर, कुछ किसी भी तरह से, क्योंकि अभी हमें नहीं, अभी इन जनरल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपके ख्याल में ये जो उसने कनेक्ट किए हुए हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है? वैसे तो उसने सारा प्रॉपर बताया भी हुआ, क्योंकि जब अगर तो क्वेश्चन को आप प्रॉपरली आंसर कर सके तो समझे कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर क्वेश्चन को आप पार्शली या नहीं आंसर कर सके तो आप समझे कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये जो मॉड्यूल्स लगे हुए, इनकी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व मेरे सामने, मैंने उसको सर्कल भी कर दिया रेड कलर में। तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? लोग स्टेटस लगाते होते हैं कि पिछले साल जो भी कुछ कहा है माफ करना है, अगले साल दोबारा कहूंगा वैसे। तो अच्छा जी, अब अगर ग्राफ ही मेरे पास हो तो कैन आई ड्रॉ दिस, ये जो उसने किया? यस सर, मतलब बस ग्राफ हो, यानी कि जस्ट अगर ग्राफ ही है, ये ग्राफ भी ना हो जस्ट स्टेटमेंट हो, तो कैन आई ड्रॉ द बोर्ड डायग्राम्स? यस सर। सीरीज में आपने लगा के यहाँ पे एडअप किया हुआ जो चीज, अब इसमें एक और तलब बताने वाली है। आप कनेक्टिविटी का जरा गौर से देखें, ये क्या काम हुआ, मैंने सर्कल अभी किया है, एक मॉड्यूल की कौन सी पिन दूसरे मॉड्यूल की पिन्स के साथ कनेक्टेड है? ये बड़ी सबसे एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ऐसे ही? यस सर, ठीक। अब इसमें बात जरा समझ ले, होता ये है। यस सर, एक तो ये कि आप केवीएल वगैरह लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा है, वो बात की बातें हैं, छोटे लेवल की बातें। आपने क्या करना होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ इनको अटैच करना होता है। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ, ये भी पॉजिटिव, एक के पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, इससे क्या मुराद है कि ऑपोजिट पोलैरिटी वाले जो टर्मिनल्स हैं उनको ऐड करते हैं। अब साफ जरा, जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी हुई ना, ठीक है। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही सही। तो आपके पास अब एड अप बेसिकली भला क्या होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब सेम चार्जेस पे आप लगा देंगे, अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते, अगर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते, ठीक है, या इस तरह से कनेक्ट कर देते, तो रेदर टू एड वो क्या हो रहा होगा, वो माइनस होगा वोल्टेज। क्या वोल्टेज हो जाएगा? माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। सो अभी न्यूमेरिकल करते हुए भी मैंने कहा था कि ऑल वायर्ड इन सीरीज से पॉजिटिवली अगर मैं सोचूं, मस्बत अंदाज में सोचूं, और तो फिर मैं उसको प्लस ही करूंगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि वो माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी वो पॉइंट आया हुआ बताने वाला। तो एक दफा मैं ड्राइंग को जरा क्लियर कर देता हूँ। आपका पर्पस ये होता है सीरीज में लगाने का कि ऐड अप हो, क्योंकि साफ जरा आपने सब्ट्रैक्ट के लिए तो नहीं ना पेमेंट की, क्या ख्याल? क्या आप दो मॉड्यूल लाए, तीन मॉड्यूल लाए, दो को आप ऐड करवा ले, एक बीच में से सब्ट्रैक्ट करवा ले, तो आप नेट रिजल्ट एक मॉड्यूल पे पहुंच जाए, तो ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। तो कैसे कनेक्शनिंग करनी है जी सीरीज में, अगर आप वोल्टेज को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो
ऑपोजिट टर्मिनल्स आपस में, ऑपोजिट टर्मिनल्स को, ठीक है। अब माइंड को जरा थोड़ा खोल के बैठें, जो अगली मैं बात करने लगूं कि क्योंकि जब आपने इसी तरह इसको बैटरी के साथ अटैच करना है, एक सेल है या तीन सेल है या तीन मॉड्यूल्स है, तो आपने एक मॉड्यूल रखा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लेट से जी आपने स्पेयर करके रख लिए, ठीक है, और उसके नेगेटिव पॉजिटिव के साथ दे दिया, अगले की नेगेटिव पॉजिटिव के साथ दे दी, और जो आखिरी टर्मिनल है उसका नेगेटिव आपने स्पेयर करके रखा हो, क्या ख्याल है? इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली ये दो टर्मिनल्स मेरे पास स्पेयर बचे पड़े हैं, ऐसे ही? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों स्पेयर टर्मिनल्स हैं इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ सपोज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बैटरीज आगे लगी हुई, और ये जो स्पेयर वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो चीज है ये देखिए, ये इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ, समझ रहे बात को? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। या दूसरे लफ्जों में अगर स्टोरेज नहीं है, आपके आगे मोटर लगी हुई है, लाइट से फैन लगा हुआ है, MF मैंने लिख दिया, तो मोटर या फैन के पॉजिटिव और मोटर या फैन के नेगेटिव के साथ लगा दिया, डायरेक्ट लोड के साथ आप अटैच, तो आप देखें आपकी पूरी फैक्ट्री तैयार हो गई है, पूरा एक पूरी आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं सोलर की है, किस तरह लगाना है, क्या करना है, आप लाए अपना काम स्टार्ट करें, ये एक दो चीजें जो बिजनेस को रोक रही, क्या ख्याल है? तो भाई सेल मतलब मॉड्यूल ला के बाहर से आप जोड़ नहीं सकते हम, क्या ख्याल है? दो तारों को आपस में समझ लेगी ना बात की। अब डीसी में एक और ब्यूटी भी होती है, अक्सर डीसी जो फैंस होते हैं उसको आप अगर उसकी पोलैरिटी रिवर्स लगा दे तो उल्टा घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हवा जिधर बंदे बैठे बजाय कुछ साइड के आने के ऑपोजिट साइड पे जाने लग जाते, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में पंखा घूमने लग जाता है। खैर जी, एनी हाउ फ्रॉम मॉड्यूल इन सीरीज एट एनी गिवन करंट द वोल्टेज एड्स, अभी हम पैरेलल को भी देख लेते हैं क्योंकि पैरेलल से दोस्ती बहुत कम कर रहे हैं, पैरेलल से भी दोस्ती कर लेते हैं। ये देखिए जी पैरेलल में लग गए, अब इसको देखते साथ ही मुझे पता चल गया था कि पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या है जी, सेम है, वोल्टेज क्या है जी, सेम है, और करंट देखें ऐड अप हो रहा, ठीक है, करंट पहले अगर 6 था, फिर अगर लेट से 12 हो गया, फिर लेट से 18 हो गया, करंट क्या हो रहा है, ऐड अप हो रहा है, ऐड अप हो रहा है। अब ये देखिए तीनों पैरेलल में लगे हुए, ठीक है, पैरेलल में आपको पता है सेम नोड्स है, जो एक का वोल्टेज है वही दूसरे सारों का वोल्टेज और करंट ऐड अप होते जा रहे हैं, इधर से आई वन गया, इधर से आई टू गया, इधर से आई थ्री गया, समझ रहे जी सर। यस सर। ठीक है, अब आपस की बात है, चाहे जिसको जितना भी कॉन्सेप्ट पता है, जो कि अभी गौर से सुन रहे थे या यानी कि म्यूट करके कहीं नहीं पहुंचे हुए, बिल्कुल जो क्लास में प्रेजेंट थे, जिन्होंने लास्ट टू लेक्चर सुने हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक रिन्यूएबल में जो रियल कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली काफी इनहेंस हो चुके होंगे। अब आपको ये जो सारे किसी के छत के ऊपर पैनल्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको पूरे लेक्चर्स की झलक नजर आएगी, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो आप ये सारी आपकी मेमोरी रिकॉल होगी, क्योंकि अच्छा ये ऐसे वर्क कर रहे होंगे, ऐसे इसने किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ठीक है। आगे हम अगले थोड़ा सा आगे भी हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टर, अगर ये डीसी हमें नहीं डायरेक्ट चाहिए, आगे हम इन्वर्टर लगा देंगे जो कि डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है जी। यहां तक जी कोई अभी तक सो फॉर कोई इशू हो? No, sir. और आपके प्रैक्टिकल व्यूज क्या है, मतलब बगैर खुशामद के, यानी कि जो प्रैक्टिकली जैसे आपके जेन में था कि सोलर का कुछ ऐसा पढ़ेंगे, अभी कुछ अभी बहुत पिक्चर बाकी है, तो आपके ख्याल में क्या वैसी चीजें जो आपने प्रेडिक्ट की थी कि वैसा होता हुआ कुछ नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ जी, क्या जी कौन सा? हाँ जी, आप वैसे तो आप लोगों को मौका दिया जाए तो माशाल्लाह काफी खुल के जो है वो बोलते हैं,
और क्या क्या सोचा हुआ जी सोलर के बारे में? अभी मैंने तो काफी कुछ सोचा हुआ, ये भी काफी कुछ बाकी है मेरे मुताबिक। तो आपके ख्याल में क्या क्या चीजें जी, और इसमें सोलर का जब आप नाम लेते थे तो आपके ख्याल में और जो चीजें बीच में होनी चाहिए थी ये हैं? वो मुझे तो पता है क्या आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं थोड़ी भी रोशनी हो तो वो हमें वोल्टेज देते हैं सर, तो इसका क्या कंसेप्ट है सर? वो अच्छा, इस पे मैं एक दो छोटे छोटे कमेंट्स किए हुए थे पहले भी। मैं अक्सर आपको कभी कभार कहता था कि ये जब भी सूरज नहीं निकला होता दिन की रोशनी में भी ये चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर मैं इस तरह का एक दो दफा मैंने क्लास में भी कमेंट यूज किया। तो ये तो आप तो कह रहे हैं कि अभी आए हैं, अब हमारे घर में कोई सोलर पैनल लगे वाला कमी बेशी, माफ करें, मेरे ख्याल से कोई 8-10 साल इजीली हो गए होंगे, ठीक है। और सुबह क्योंकि आपको पता है 2012-13, हाँ, सो मेरे पास सुबह था आईफोन, पता नहीं 4 ही था, खैर, सो कुछ 13 की बात है। सो आपको पता है कि वो आईफोन की चार्जिंग बिल्कुल थोड़ा ज़रा टाइम निकालती है, सही है। तो जैसे ही अक्सर लाइट भी फिर आती जाती रहती है, तो जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती थी सबसे पहले उठ के मैंने वो कार चार्जर रखा था। पहला मैंने काम ये करना होता था कि मोबाइल की जो चार्जिंग है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया से कट ऑफ हो गए, ठीक है, तो बिल्कुल वो चार्ज कर रहा होता था। आपके पास फोटॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो सनलाइट होती है उसके अंदर फोटॉन्स हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। आपको जो आई शॉर्ट सर्किट जो मैं बार बार बनाता हूँ और उसके साथ सूरज की तस्वीर बनी होती है और सूरज की किरणें जो बनी होती है, अभी बुक में भी हमने जो पढ़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सनलाइट। और ठीक है, ये जो चीज है अब अगर आप पीवी को देखें तो उसके साथ उसने एक आपको अटैच करके सनलाइट जो है वो सन एक अटैच करके दिया हुआ। सो होता क्या है कि जब सूरज आपके पास निकलेगा या दिन का जब आगाज होता है तो फोटॉन्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, यानी कि बजाय के 6 एम्पेयर आपको करंट मिलने के, करंट बहुत थोड़ा मिल रहा था आपको, ठीक है, 0.5 लैट से, मैं वैसे कह रहा हूँ 0.5 एम्पेयर या लैट से 1 एम्पेयर, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये माइनर से आपको करंट मिल रहा था और वोल्टेजेस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करंट के, जब आप इक्वेशन आप लगाएंगे आई की और बीडी की। अब उसमें एक न्यूमेरिकल भी हमने एक देखा था, उस पर भी मैं आता हूँ जरा। इसमें 1 और 10 एम्पेयर का था मामला, इससे पीछे वाला 5.2 यहाँ पे करके वो कोई होगा, यही था शायद। ओके जी, अब 5.2 में अगर आप देखें ना, अब ये देखो ये 1 एम्पेयर आपको करंट दे रहा, ठीक है, और 1 एम्पेयर के अकॉर्डिंगली जब आपने वीडी फाइंड आउट किया है तो देखिए वीडी की क्या वैल्यू आ रही है, 0.532, ठीक है। यानी कि आप अभी जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया था उसमें जो डेटा दिया होता कितना 0.57 दिया हुआ था। जी सर, ठीक है, तो अब 0.57 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 5.73 या 6 को, तो वो भी आपके पास कोई ना कोई आपको वैल्यू जो है वो पावर की सेंस में मैं बात करूं देने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 0.57 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करें कि कितने सेल्स थे उसके अंदर, 72 सेल्स थे या 36 या 72 जितने भी आप लगा लें, तो ये आपको एक नेट वोल्टेज दे रहा था वो 40, ठीक है, 40 point something। अब 0.532 को भी अगर आप देखें तो ये आपके पास अगर 0.57 नहीं दे रहा तो 0.53 तो दे रहा है,
0.53 को जब लेट से उसने 72 से मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ था 40, हमारा उसमें थोड़ी सी वैल्यू कम होगी। चले मैं ये कह रहे तो कि हमारे पास माइट भी 30 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है सही, और करंट आपके पास 1 है जी, तो ये आपके पास 30 वॉट जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है। इन रियलिटी ये जो लगाया हो 200 वॉट का, अगर यही 1.5 जब थोड़ी सी और रोशनी जब तेज होगी, आपको पता है जैसे जैसे दिन जरा खुलने लग जाता है, सो इसको 45 वॉट भी आपको वो दे सकता है, ठीक है। अब छोटी चीजें जैसे लाइट बल्ब्स हैं, आपके चार्जेस वगैरह, उनको बहुत कम पावर चाहिए होती है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता, बहुत कम पावर चाहिए होती है, तो वो उस पर भी चार्ज हो रहे थे। अब जो एलईडी बल्ब्स हैं वो 8 वॉट के हैं, तो अब जिसका बैटरी नहीं भी लगी हुई डायरेक्ट, जिसका लाइट ऑन होगी उसके ख्याल में तो जी सूरज निकलने से घंटा पहले सोलर पैनल चल पड़ा। और अब जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर भी रिसर्च एडवांस से एडवांस होती जा रही है कि मटेरियल्स के अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट्स लेके आई जाए कि वो बेस्ट से बेस्ट आपको दे, यानी कि सिंपल डे लाइट के अंदर भी आपको जो है वो चीज मिल रही हो, ठीक है। तो यानी कि दिन में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता, वो चीजें मौजूद होती। तो अब क्लियर, आई होप सो कि आई हैव कवर्ड इन अ बिट डिटेल, अब आपको शायद थोड़ा आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट्स यही है कि अगर सनलाइट नहीं भी, यानी कि क्लाउडी इन्वायरमेंट भी है, अब जैसे सर्दियां हैं और जैसे वैसा मुखान जरा माउंटेनियस एरिया से ताल्लुक है, तो वहां पे आपको पता क्लाउडी इन्वायरमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है, सूरज जरा ढका छुपा, दिन की रोशनी मोस्टली उस पर चल रही होती है, सो वहां पर पैनल्स लगे हुए और वो आपको पावर दे रहे हैं, ठीक है, उतना बिल्कुल क्लियर सनलाइट नहीं होती, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, कहीं अगर स्नो है वहां से टकरा के आ रही है, क्लाउड्स हैं, डस्ट है, जैसे यहाँ पे फॉग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल सही जो इंटेंसिटी के साथ नहीं चीजें पहुंच रही होती, ठीक है। तो ये खैर ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं खैर इस क्वेश्चन के जवाब का चश्मदीद को आप भी हूँ, जो मैंने आपको बताया मैं प्रॉपर यानी कि खुद से उसका यूजर भी हूँ, मैंने ये चीजें ऑब्जर्व भी की हुई है कुछ, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपको बस चीज, आई होप सो के बस इट मेक सेंस जी सर, वो उतनी नहीं मिल रही होती समरे, थोड़ा कम मिल रही होती, लेकिन चूंकि उस पर उतना फिर डीपली लोगों को आइडिया नहीं होता और वो उससे ये समझ रहे होते हैं कि सभी कुछ आ रहा है, करंट कम होता है जो उस पर कोई बड़ी चीज नहीं चलेगी, समझ रहे हैं, जैसे मोटर वगैरह या उस तरह लोगों ने जैसे सोलर ट्यूबवेल लगाए हुए, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही दिन का आगाज हुआ और उनका ट्यूबवेल चलने लग गया, तो वो थोड़ा सा इट विल टेक अ टाइम, जब लाइट इंटेंसिटी या फोटॉन्स इतने हो जाएंगे हैवी लोड को ड्राइव करने के लिए, आपको फिर प्रॉपर पावर चाहिए होती है, और वो करंट से ही आएगी, और करंट कहाँ से आएगा, फोटॉन से आएगा, तो उसके लिए एक रीजनेबल फोटॉन्स का होना जो है ना वो जरूरी है, ओके जी। अब ये पिक्चर देखें, इसमें आपको क्या फील हो रहा है, इसमें सारी दुनिया सिमट आई है सोलर की, सिर्फ पीवी की हद तक, सिंगल जंक्शन की हद तक जी, ये इसको देख के क्या आइडिया हो रहा है, ये फिगर 5.73 जी, अरे नहीं ठीक है, अरे है तो क्या कनेक्शंस किस तरह के, सीरीज पैरेलल में क्या किस तरह, सर सीरीज पैरेलल एक सीरीज को जुड़ा हुआ है, तीन जो है सेल वो पहले सीरीज में और बाद में वो पैरेलल में आपस में, हां जी देखिए जी सर, वो सीरीज में और अगर पूरी एरे को देखते जाए तो वो आपस में पैरेलल, ठीक है जी। उसने सबसे पहले क्या किया है कि दो स्ट्रिंग्स ली हैं, उसके अंदर तीन जो मॉड्यूल्स हैं वो सीरीज में, मैं 3S इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर भी तीन जो मॉड्यूल हैं वो क्या हैं, सीरीज में, ठीक है। और फिर उसने क्या किया है कि ये जो तीनों सीरीज में हैं उसको फर्दर आपस में किस तरह अटैच कर दिया, पैरेलल में, किस तरह पैरेलल में कर दिए, ठीक है, ऐसे समझे जैसे दो पैरेलल रोड्स हैं और दोनों रोड्स पे तीन गाड़ियां खड़ी हुई है की लाइन, ठीक है, टू पैरेलल रोड्स और एक रोड पे तीन और एक पे तीन पैरेलल में, क्या ख्याल है, पार्किंग बनी पड़ी है ये, सही है। तो अब इसमें जब तीन मॉड्यूल हैं आपके पास, तो पहले मॉड्यूल का, दूसरे मॉड्यूल का और तीसरे मॉड्यूल के वोल्टेजेस, ये जो 3S है
उनके वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। 3s के, 3s का मतलब क्या है, ये 3s कोई टर्म नहीं है, ये मैंने खुद सार्थक बनाई है कि तीन मॉड्यूल है सीरीज में, समझ लगी ना। तो लगे आप किसी रिन्यूएबल के पढ़े लिखे बंदे को कह रहे हो कि ये 3s इस तरह से, खैर है नहीं हो ये जस्ट। और वोल्टेजेस जो हैं, अब साफ जहर है ये भी जो तीन मॉड्यूल हैं वो भी फर्दर 1 2 3 इसी तरह वोल्टेज अगर आप देखें तो दोनों का सेम है, ठीक है। वोल्टेज दोनों का क्या सेम ही है, क्यों सेम है भला, क्योंकि ये तीनों तीनों सीरीज वाले आपस में पैरेलल में लगे हैं, समझ लगे भाई। किसको मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, इसको और इसका वोल्टेज जो है वो सेम है, पैरेलल लाइंस पे सेम है। वैसे तो तीनों का एड अप हो गया ना, अगर एक का 0.6 है, अगर 0.6 इसका, 0.6 इसका, 0.6 इसका, तो सेल्स होंगे तो वो 1.8 हो जाएगा। अगर मॉड्यूल है, अगर पिछले वाले मॉड्यूल को देखें तो उसमें 40-40 आपके पास आंसर आया हुआ था 72 सेल्स के साथ, 40 इसके, 40 इसके और 40 इसके, तो ये कितने बन गए, 120 बन गए। यस सर, ये 120 इसलिए बनाए क्योंकि अब ये सेल्स नहीं है, 0.6 का मामला नहीं है, पूरा पूरा मॉड्यूल का मामला है जो पीछे न्यूमेरिकल आपको भी करवाया, ठीक है। और अब आपके पास क्या चीज है कि अगर सपोज मैं करता हूं कि सीरीज में आपको पता है करंट सेम ही रहता है, तो इन तीनों का करंट 6 एम्पेयर ही होगा, इन तीनों का, इनको वोल्टेजेस को आप खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये सारे अगर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो 6 उसी का, उसी का भी 6 है, उसका भी 6 है, लेट्स से मैं 6 एम्पेयर ले लेता हूं, ये भी आपस में सारे सीरीज में, जो एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल तीसरा मॉड्यूल सीरीज में करंट सेम, उसका भी 6 है, तो ऊपर से जब पैरेलल में ऐड हुए 6 और 6 कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब अगर आप ग्राफ में भी देखें, लेट से 6 एक पैरेलल लाइन का, 6 एक पैरेलल लाइन का, तो आपको 12 वोल्ट इन 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 जो है ना वो मेरा, समझ रहे बात। Yes. इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह जी, कैसे उसने वोल्टेज और करंट और वो चीज बना दिया जो? नो सर जी, कोई इशू जी इस पे? नो सर, क्लियर है। द टोटल आई वी कर्व्स फॉर एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स ऑफ 3 मॉड्यूल्स ईच, ठीक है जी, 2 स्ट्रिंग हैं और 3 मॉड्यूल हैं हर एक स्ट्रिंग में। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक कनेक्शंस दिखाए थे 3 मॉड्यूल से, जहां पे मैंने आपको पोलैरिटी का बताया, ऑपोजिट पोलैरिटी को अटैच करने का, अभी पीछे मैंने भी आपको बता के आ रहा हूं। यस सर, पॉजिटिव, जब सीरीज में अटैच करनी है तो ऑपोजिट पोलैरिटी हो, एक का पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो उसने स्ट्रिंग्स जोड़ी हुई हैं, ये वाली, ये सीरीज में जुड़ी हुई हैं या पैरेलल में जुड़ी हुई हैं? ये सीरीज में सर। सर ये पैरेलल में, एक ने कहा सीरीज में, एक ने कहा पैरेलल में, क्या वजह? पैरेलल में सर, नीचे ऊपर वाला जी, जो काफी सारे मॉड्यूल ही मॉड्यूल हैं जो काले धब्बे नजर आ रहे हैं आपको, को 40-50 इंच की बात कर रहा हूं, ये पैरेलल में सर, क्योंकि ऑपोजिट नहीं हुआ उसने, वो किया हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव से किया हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से किया हुआ, क्योंकि अगर आप देखें पहले ये देखें, ये चीज, ये वाला पॉजिटिव और उनके जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, ठीक है, तो ये आपके पास उसने पैरेलल में जो है ना वो जोड़े हुए, ठीक है, समझ रहे बात को। ये देखें, ये मैं पैरेलल में अभी आपको जोड़ के इसको दिखाता हूँ, इस तरह से मैं मॉड्यूल बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने पैरेलल में उनको जोड़ना होता है, ठीक है, तो मैं पता है क्या काम करूंगा, ये सारे जोड़ दिए पॉजिटिव के साथ, तो ये सारे जोड़ दिए नेगेटिव के साथ, समझ आ गई बात, सही है।
तो ऊपर आपको ऑपोजिट पोलैरिटी में सीरीज जोड़ना सिखाया था, अब क्या कर दिया कनेक्टर ने सर? सेम पोलैरिटी और सेम पोलैरिटीज पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बस उसको, ठीक है। पैरेलल में तो आप बड़ा कुछ उसमें सर्किट एनालिसिस में नोड्स वगैरह जो अक्सर लगा रहे होते हैं ना, पैरेलल कब सारी चीजें उसके अंदर होती है। कनियो जी क्या नीचे लिखा हुआ जी? मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन पैरेलल फॉर लार्ज पावर एरेस। तो अब माशाल्लाह से आपने लार्ज पावर एरेस का भी कॉन्सेप्ट ले लिया बच्चों ने जी, सही है कि अब देखें यहां तक सो फॉर कोई हमारी अपनी मर्जी है ना, आप अपनी नीड को देखें, आप पावर की कैलकुलेशंस करें कि आपको चीज चाहिए सीरीज में उनको जोड़ना है, पैरेलल में उनको जोड़ना है, वैसे जोड़े काम करें। क्या ख्याल है इसमें? तो अब कोई पाबंदी नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो सारा टोटली है ही आपके ऊपर। अगर आप ये काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के तौर पर, तो आपको आपका क्या ख्याल है कि आप ये अब आप ही समझे, ये लेक्चर पढ़ने ये कोर्स पढ़ने से पहले अगर आपने घर में पैनल्स लगाने तो आपको क्या पता कि इसको सीरीज में लगाना है पैरेलल में लगाना है क्या करना है? आप तो सोलर वाले पे टोटली डिपेंडेंट होंगे ना, आप भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते तो आपके जो भी कस्टमर है वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, उनको तो ये आइडिया नहीं है कि चीजें कैसे वर्कआउट करती, ये तो आपने उनको सोल्यूशन देने, उन्होंने तो जस्ट आपको घर का बताना है कि ये सर जी तीन पंखे हमने चलाने हैं, ये भी मत सोचे कि वो आपको पावर कैलकुलेशन देंगे, वो बस आपको ये कहेंगे कि ये सर दो पंखे हैं या इतनी लाइट्स हैं हमारी, एक मोटर है ये कि हमने एसी चलाना होता है, बस यही है सर जी। तो अब सर जी के ऊपर है ना कि वो सारी कैलकुलेशंस करे कि एक लाइट कितने वाट की है, फैन है उसको देख ले, एसी है उसको देख ले, मोटर है उसको देख ले कि करंट कितना चाहिए, वोल्टेज और एम्पेयर की रीडिंग्स हर एक के ऊपर लिखी होती, इवन दो कि आपका छोटे से छोटा अप्लायंस जो चार्जर है उसके ऊपर भी करंट और वोल्टेजेस लिखे हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे कितने पैनल्स चाहिए, मार्केट विजिट कर लें, पैनल कितने वॉट का मेरा है, कितने की चीजें हैं, वो जब आप विजिट कर लेंगे आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पैनल्स लगने, एक पैनल की प्राइस ये, वो सारी कैलकुलेशंस, बैटरीज के कैलकुलेशंस कर लें, इन्वर्टर का पूछ लें कितनी रेटिंग्स वाला मेरा है, आप सारी कैलकुलेशंस करें उसके ऊपर उनको रेट्स दें। ये अक्सर आप जाते हैं तो वो बड़े जो बड़ा वसूख से कह रहे थे कि सर जी 1 किलोवाट का लगाएंगे तो इतने ले लेंगे इतने ले लेंगे, आप बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं सब कुछ कैलकुलेट करके बैठा, भाई इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, इंप्रेस करें लोगों को, आगे बढ़े जरा, समझ रहे? यस सर, ठीक है ना। तो चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, बस करने का जज्बा नहीं, इससे ज्यादा जज्बा मैं आपको क्या दे सकते, मैं आपको बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, किलोवाट्स के अंदर आपकी कंपनी रन करवा दी। तो जैसे हमने एक सेल के लिए पढ़ा है, इसी तरह हमारे पास जो है ना वो अगर पूरा एक मॉड्यूल हो ना तो उसमें भी हम उसी तरह का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ये देखे जाए पावर की सेंस में यहाँ पे डीलिंग है, पहले आपने एक सेल का ओपन शॉट पढ़ा, ये उसने ठीक ही लिखा हुआ है काम, जरा इसको अगर आप देखें तो ये जो तीनों डायग्राम्स हैं ये क्या बता रही है, एक में ओपन सर्किट है, एक में शॉर्ट सर्किट है और एक में लोड कनेक्टेड है। तो पावर जो है वो तीनों में क्या क्या मिल रही है आपको, लोड में ये फिगर कैप्शन भी है इतनी प्यारी सारी जी, ओपन और शॉर्ट में तो जीरो पावर है। अच्छा अच्छा सर, लोड में पावर मिलेगी जब उसमें करंट फ्लो करेगा। यस सर। अच्छा वजह क्या, ओपन और शॉर्ट में पावर क्यों नहीं मिल रही? क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा उसमें, करंट फ्लो नहीं कर रहा इस वजह से फिर वो पावर नहीं। अच्छा तो एक में तो चलो करंट नहीं फ्लो कर रहा तो दूसरे में फिर क्या मसला, ओपन सर्किट में तो करंट नहीं फ्लो कर रहा तो पावर नहीं मेरी, व्हाट्स द इशू इन अ सेकंड? शॉर्ट में आपके वोल्टेज जो है वो जीरो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर जीरो, इस पे हमने लोड भी कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। जो पी है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो ओपन सर्किट में करंट जीरो है तो पावर जीरो हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो है, दोनों में पावर जीरो, क्या ख्याल?
एतराज है किसी को? यस सर। नो सर। नो सर, एतराज नहीं। ठीक है, तो वैसे हम जो आपने क्वेश्चन, अब रात को क्या होता है इसमें? अब रात को तो आपके पास सनलाइट नहीं है, फोटॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, डार्क में कोई चीज मौजूद नहीं है। डार्क में तो आपके पास करंट ही मौजूद नहीं है एक तरह का, चाहे लोड कनेक्टेड भी है बैक एंड से, आपके पास करंट ही नहीं है। क्या ख्याल है? जो सोर्स है आपका ये शॉर्ट सर्किट जो कि सनलाइट पर डिपेंडेंट है, वो तो करंट तो बिल्कुल आपको मिल ही नहीं रहा। जिसने एनर्जी देनी है, चार्जेस को मूव करवाना है, वो तो रात की रोशनी में खत्म हो चुका है। तो वो तो चीजों को ड्राइव नहीं करेगा, पावर तो आपको नहीं मिलेगी रात को। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई इशू वगैरह तो बता दें, ठीक है। बाकी ये है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कुछ बीच में ऑनलाइन के बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। नहीं कि वो अब उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, बल्कि मेरी तरफ से सारे इंजॉय अगर करना चाहें तो ये भी बाकी लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने टाइम पे आ रहा हूँ, अपने टाइम पे क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। कोई सुने ना सुने मुझे उससे यानी कि कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, ये जो लेम सी किस्म की टैक्टिक्स हैं और इस तरह से लगा दिया और ये इससे थोड़ा गुरेज करें। ठीक है ना, जो कोई भी कर रहे होते हैं चीज़ों का आइडिया होता है, समझ लगी ना बात की, चीज़ों का आइडिया होता है और आपकी अपनी मर्जी है, दबा के करें, बल्कि चाहे बाकी भी करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि नॉलेज लेके क्या फ़ायदा होना है, फजूल है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई इशू वगैरह है तो वो आप बता दें। आई होप सो कि आपको थोड़ा मज़ा आना शुरू हो गया होगा, मतलब सोलर्स का। विंड को तो आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि विंड टर्बाइन नहीं थी आपके आसपास, और इसको थोड़ा विजुलाइज करना ज़रा आसान है। फिर जब लैब ओपन होगी फाइनल ये प्रोजेक्ट की, तो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस देखने का कहा हुआ है ऑलरेडी, वो पेंडिंग है। जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो वो आपने बताना है। ठीक है, बाकी सारे क्लास को लीव कर सकते हैं, किसी को क्वेश्चन वगैरह तो वो कर ले, बाकी आप लीव कर दें मीटिंग। क्लास हैज बिन एंडेड। कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लें, कोई असाइनमेंट पे भी शायद कुछ एक दो लोगों को थे क्वेश्चन वगैरह, या कुछ भी पूछना है तो वो आप पूछ लें। यस सर, असाइनमेंट का बस ये पूछना था कि सिर्फ हमने थ्योरी लिखनी, उसमें कोई मतलब जो टॉपिक है उसको सर्च करके उस पे कमेंट्स करने, इस तरह से लिखना है? मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है लाइक हेडिंग्स किस तरह से? मुझे, मैंने वो थोड़ा सा ही सुना नहीं था आई गेस, लेकिन शायद मौजूद थी आप। जी सर, प्रेजेंट थे। सो खैर, उसमें हेडिंग्स उस तरह से कोई चीज भी नहीं है, बेसिकली टॉपिक और बैकग्राउंड पे उसका पर्पस है कि क्या काम आपने करना है। जो आपके पास द इंजीनियर एंड सोसाइटी के ऊपर है, उसके अंदर कैटेगोरिकली वर्ड्स मेंशन है, ठीक है, कि सोसाइटियल इम्पैक्ट उसका क्या है, ठीक है, सोशो इम्पैक्ट, सोसाइटी उस प्रोजेक्ट्स को किस तरह से देख रही है, सही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसमें वर्ड है, इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, यानी कि लॉ जो आपका है, जो कानून है, यानी कि जो 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 आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसको क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है नहीं करती, जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंगली वो लीगल है इलीगल है, वो लोगों को इकोनॉमिकल रहेगा नहीं रहेगा, यानी कि द इंजीनियर एंड सोसाइटी बेसिकली वर्ड है, द इंजीनियर एंड सोसाइटी, यानी कि इंजीनियरिंग किस चीज़ का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो तीन चार उसमें वर्ड्स हैं जो कि अभी मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। इसमें ये बिल्कुल खुल के उसको नहीं लिखने की कोशिश करने लग जाना कि यानी कि लड़ से जी पुलिस ही आके पकड़ लेगी, या करीबी जी थाना ये लग रहा है वो विजिट करने लग जाएंगे, यानी कि उसको थोड़ा इन अ टेक्निकल वे हमने डिस्कस करना है। ये जस्ट मैं एक वैसे एक आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको हमने बहुत लोकल या बहुत उस तरह से नहीं लेके आना, ठीक है, हमने एक नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि जो जब इंजीनियर एक काम कर रहा होता है या कुछ लिख रहा होता तो डॉक्यूमेंट की एक कुछ थोड़ा थोड़ी सेंस बन रही होती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कुछ उसमें चीजें हैं। फिर मतलब सर इंजीनियर माइंडसेट से लिखना है? हाँ जी, ऑब्वियसली। तो क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती हैं तो आपको उसमें हर्डल्स तो आएंगी, ठीक है, आपने अगर सोलर का अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लोगों को ये काम होता है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो सोसाइटी का अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है आपके पास, ठीक है। Yes, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी चीज की कर रहे हैं तो क्या पता आप इस तरह की रेज एमिट हो रही हो वहां से जिसका लॉन्ग टर्म
पोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट हो, वहां पे लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट हो, ठीक है वासी। तो जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन द स्टार्ट कोल के ऊपर पावर प्लांट्स लगे थे, तो वो जो अरेबिक कंट्रीज हैं, यूरोप एक तरफ है, अरेबिक कंट्रीज एक तरफ है, गल्फ कंट्रीज वाली साइड पे एसिडिक रेन्स होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो वो फिर इन्वायरमेंटल जो एजेंसी इंटरनेशनल उस लेवल के ऊपर कुछ लॉ पास हुए उसको कुछ टैकल करने के लिए कि लगेंगे नहीं, अगर लगेंगे तो इन शराइत के ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो अब एक एक मुख्तलिफ ममालिक में लगे हुए दूसरे ममालिक में जाके वो इफेक्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, क्या पता आप ऐसा मटीरियल डिजाइन कर रहे हो तो उसके ऊपर हो रहा हो। तो ये पढ़ने के ऊपर है ना बेसिकली, ये तो मैं सारी बातें आप लोगों को बताई जा रहा हूँ। असाइनमेंट देने का पर्पज ये है कि यू पीपल विल ब्राउज इट, ठीक है। अदरवाइज तो मेरी चीजों को आप इंग्लिश वर्जन करके वहां पे ड्राफ्ट कर देंगे तो असाइनमेंट तैयार हो। इनके पर्पज क्या है कि यू पीपल आर गोइंग टू ब्राउज, दे सकते हैं जिस तरह आपने दिए हैं। हाँ ऑब्वियसली जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप रेफरेंस उसको दे सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा नॉलेज आएगा ना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो वन माइंड सेट का नॉलेज है। चीजें देने का मतलब ही होता है कि अपने जेहन को थोड़ा खोले, ठीक है। और जो दूसरी असाइनमेंट है वो इन्वायरमेंटल के ऊपर है कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को जाया किए बगैर आपने प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपना 4-5 साल 10 साल का काम चला लें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा दें कि आप वो सोर्स ही पूरे का पूरा खत्म कर दें। जैसे वाटर अलर्ट से वाटर के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि जी पानी कम यूज किया करें, आने वाली नस्लों में ये हो जाएगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, विद इन द लाहौर भी कराची वाला सेटअप हो जाएगा और टैंकर पानी के मिला करने के सामने, इस तरह की चीजें डिबेट होती रहती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होती है, आप तरक्की करें लेकिन ना माहौल को आलूदा करें, ना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को जाया करें, अगर कहीं हो भी रहे तो बहुत कम करें। रिन्यूएबल को पढ़ने का पर्पज ये है कि ना तो सोलर जो है वो तो सूरज की रोशनी आती रहनी है, आप सूरज की रोशनी को खत्म नहीं कर रहे आने वाली नस्लों के लिए। हवा है वो चलती रहनी है, यू आर नॉट वेस्टिंग इट। पानी है वो जो है आपने उसके रास्ते में बंद बांधा, डैम वगैरह बनाया, उससे एनर्जी ले ली, फिर दोबारा वो नहरों को निकल गया, सैराब उसको करने लग गया, अगेन यू आर नॉट वेस्टिंग, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोयला है, गैस है, कितनी देर निकालेंगे तो खत्म हो जाएगी, काने हैं उसके कुछ जखायर हैं वो निकाल लेंगे, फर्क हो जाएगी, ठीक है। तो वर्डिंग्स जो बीच में उनको गूगल करें, उनको पढ़ें कि उस वर्ड का मतलब क्या बनता है, उस CLO का क्या मतलब है, उस PLO का क्या मतलब है, थोड़ा स्टडी करें तभी 10-10 नंबर है, और किस लिए दिए मैं 10-10 नंबर उसके। जी सर समझेगी ना, सही है, ओके ठीक है जी, मैं एंड कर रहा हूँ फिर प्रॉपरली मैं फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस नहीं लेनी सर? अटेंडेंस उनकी लगती है जो कि आज बोल रहे थे, हैं क्या ख्याल है सर? मैं तो पार्टिसिपेट कर रहा था इसमें। मैं तो कहा ही नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या ख्याल है, हैं? हाँ जी मेरे किस फिक्रे में था कि फलां नामी बंदा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ओके हो गया सर।